नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, शादी का इनविटेशन अगर आपको व्हाट्सएप पर आया है, अगर आप उसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हरकत आपको कंगाल बना सकती है। जी हां दोस्तों, आपको परेशान कर सकती है। पिछले 10 से 15 दिन में जब से शादी का सीजन शुरू हुआ है, तब से एक नया फ्रॉड ट्रेंड में आया है। व्हाट्सएप पर एक पीडीएफ टाइप की कोई चीज आपके पास भेजी जाती है, जिस पर लिखा होता है कुछ इस तरीके से, हेलो आमंत्रण .apk। आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपका मोबाइल का जो सारा डेटा है वो सामने वाले लोगों के पास चला जाता है। उसमें आपके पर्सनल फोटोज से लेकर आपके वीडियोज, पर्सनल आपके कॉन्टेक्ट नंबर, सब सामने वाली पार्टी के पास चला जाता है। अब आप सोचते होंगे कि ऐसे एक शादी के कार्ड में ऐसा क्या है कि शादी के कार्ड ओपन किया तो उनके पास चला गया। देखिए, सबसे जरूरी चीज आपको समझनी चाहिए, मैंने एक वीडियो आज से कुछ दिन पहले बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाए, आपने उन पर क्लिक नहीं करना होता है। पीडीएफ, अगर कोई इन्विटेशन का पीडीएफ आपको भेज रहा है तो उसके लास्ट में आपको .pdf मिलेगा लिखा हुआ। अब इस फोटो में आप गौर से देखिए, किसी ने भेजा है कि हेलो आमंत्रण .apk। एपीके का मतलब होता है कि ये कोई एप्लीकेशन है जिस पर क्लिक करने पर वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड होगी, इंस्टॉल होगी, और इंस्टॉल होने के बाद आपका जो पर्सनल डेटा है वो जो एप्लीकेशन बनाने वाले साइबर अपराधी है उन तक पहुंच जाएगा। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई भी निमंत्रण इन्विटेशन के नाम से लास्ट में .apk लिखकर कोई फाइल आपके व्हाट्सएप पर भेजी जाती है तो उस पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें, क्योंकि अगर आप क्लिक करते हैं तो या तो आप अपने आप को इतना मानसिक रूप से मजबूत रखें क्लिक करने के बाद जो आपके साथ होगा उससे निपटने के लिए आप तैयार हैं, तब तो कर दीजिए। जैसे मैं, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, देखिए मेरे नाम से अगर कोई किसी के साथ फ्रॉड कर रहा तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं, पर मतलब कि मुझे चूना लगा के कोई फ्रॉड करने का प्रयास करेगा नहीं, मेरी पर्सनल फोटो, मेरी खुद की फोटो, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर, कुछ भी सामने वाले के पास चला जाए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस चीज से निकलने के लिए मानसिक रूप से तैयार हूं। ऐसा ही आपको करना हो, मेरे मोबाइल में मेरी, मेरी पत्नी की, मेरे बच्चे की, मेरे परिवार की सबकी फोटो है, वो उनके पास चली जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है मेरी वाइफ मेरे बारे में क्या सोचती है, मेरे माँ बाप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे भाई भाभी मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और वो क्या सोचते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे हैं। अगर हम सही हैं और हम उनको ये समझाने में कामयाब हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, तो सामने वाला चाहे कुछ भी करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आज के डेट में AI के जमाने में बहुत कुछ संभव है, तो अपने आप को मेंटली रूप से इतना स्ट्रोंग आप करें कि आपसे कभी गलती से ऐसी चीजें हो भी जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। तो आजकल शादियों का सीजन है तो आपके पास एक इनविटेशन भेजा जाता है और उसमें आपको हेलो आमंत्रण, मतलब आमंत्रण इन्विटेशन आपके लिए, शादी का इन्विटेशन, ऐसे करके मैसेज आपको किया जाता है, और उस मैसेज में पीडीएफ की बजाय एक एप्लीकेशन होती है जहां पर आप क्लिक करते हुए एप्लीकेशन ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में डाउनलोड होने के बाद ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाती है, और आपके मोबाइल का जो भी पर्सनल डेटा है वो उस एप्लीकेशन वाले मालिक को भेज दिया जाता है, यानी कि जो खुद साइबर अपराध में लिप्त है उन तक आपकी सारी जानकारी पहुंच जाती है। तो इस तरह के आमंत्रण को कभी भी क्लिक ना करें, दूर से ही राम राम करें, जय राम जी की, और सावधान रहें। देखिए, किसी भी साइबर अपराध से बचने का तरीका सिर्फ एक ही है, इसका कोई उपाय नहीं, सतर्कता और जागरूकता ही साइबर अपराध से बचने का सबसे सटीक उपाय है। इस वीडियो को अपने जानने वाले लोगों के साथ साझा करें, क्योंकि अगर पिछले 1.5-2 महीने में कम से कम, अकेले मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, अकेले राजस्थान NCR की बात करोगे तो कम से कम करोड़ों की ठगी पिछले 10 से 15 दिन में इस तरह की एप्लीकेशन भेज के लोगों के साथ की गई है, जिसमें बताया गया है कि आपके लिए इनविटेशन आया है। तो ऐसे इनविटेशन को दूर से करें राम राम, और स्वयं को रखें सुरक्षित। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने जानने वालों के पास, अपने मिलने वालों के साथ जरूर साझा करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल।
जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।